हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो लास्ट वाले व्लॉग में हमने सब्जियां लगा दी थी, लेकिन कुछ सब्जियां बच गए थे, हमारे पास गमले नहीं थे इसलिए। तो आज है ना, हम सारे गमलों को खाली करके और फिर जगह बना रहे हैं, और जो भी बाकी की सब्जियां बच गई थी उसे हम लगा रहे हैं। भिंडी भी हमने लिया था, लेकिन भिंडी का सीजन नहीं है तो भिंडी नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये देखिए लौकी की जड़ कितनी ज़्यादा है, जिस जिस गमले में गई है देखिए वो लौकी है। वहाँ मेन गमला है कॉर्नर में, वहाँ से जिस जिन गमलों से गई है सब में जड़ बनाते हुए गई है। देखिए अब देखिए ना, इसके नीचे बैठना कितना अच्छा लग रहा है, और धूप भी हो रहा है ना, तो धूप भी आ रहा है तो इसके नीचे छांव लग रहा है। कल तक बैठने लायक नहीं था, ये भी बता दो। कल तक बैठने लायक नहीं था, सही बात है ना। तो हम बनाए बैठने लायक। आप बनाए। ये देखिए, यही बनाए, ये सारा सेटअप यही लगाए। तो सारे गमले की धूल निकाल निकाल फेंक देते हैं। अब देखो साफ किया गया है, साफ हो गया है। तो सुबह यही साफ किए लग रहा है। अरे देवा, तो हमें साफ ही करते हैं, कौन साफ। हाँ तो मेरा किचन का काम आप कर लो, आपका गार्डनिंग का काम हम कर लें। काम बांट के करना चाहिए ना, तब भी तो काम होगा। यहाँ पे सारी मिट्टी निकाली जा रही है। तो देखिए, एक दो तीन चार, चार गमले मिले। क्या मिला? कीड़ा निकला। पागल डरा दी है ये, देखो कितना जोर से। ये देखो कैसे इधर आ गया, कोई कोई चमगादड़ ही आ गया। अरे मतलब दौड़े तो किकी करते हुए, इनको इनको मतलब क्या बोला जाए। कोई ब्लॉक कर रहे हैं। ये है वर्नी कंपोज। कीड़े है इसमें है क्या कहीं? कोई कोई मिल रहा है क्या यहाँ? ये देखिए, ये लोग के बैठने का ठिकाना भी मिल गया है। देख, और ये देखिए मौसम कितना अच्छा ना, आज का मौसम और भी ज्यादा अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ठंड आ गई है। ये देखिए गाइस, बोलो फिर से बोलो फिर से बोलो। गिट्टी कह रहे, गिट्टी कान तो पड़ा है, चिड़ियों की पोटी है पोटी। ना फाइनली जा रहे हैं, टाटा बाय बाय बाय। तो ये देखिए, ये गिलहरियां इस तरह से ना, ये सभी पेड़ के मतलब छत पे चली जाती हैं और सबके गमले ख़राब कर देती हैं। देखिए वहाँ उनको गमला नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अभी जस्ट अभी अभी बना हुआ है, उनके गमले वहाँ रखे हुए हैं। तो ये ना ऐसे घूम घूम के दिन भर सबके छत पे जाती हैं, सबके फूल फल सब खा जाती हैं। देखिए 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 कैसे जा रही हैं, स्पीड देखिए कितनी तेज होती है इनकी। हर कोई अपने खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकता है, ये भी भटक रही हैं। तो इन मिट्टियों से निकला है इतने सारे कचड़े, तो यहाँ पे ये डाल दे रहे हैं, और इन सबको फेंकेंगे थोड़ी ना, इन सबका हम फिर से रीयूज़ करेंगे, इसका खाद बना देंगे। और ये देखिए, तो ये है गाइस चेरी टमाटो। ये देखिए कितनों से हैं, बस
हाँ थोड़ा और है लेकिन इतना लगाने की जरूरत नहीं है, वो बचा लेते हैं और इसको लगा देते हैं। हाँ इतने में बहुत आ जाएगा। हर किसी को अपने अपने घर में टमाटर लगा लेना चाहिए, बालकनी में, टेरेस पे, घर में टमाटर लगा लो, कुछ तो मतलब कुछ तो काम आ जाएंगे भाई, एक दो तो मिल ही जाएंगे, नहीं ज़्यादा तो कुछ तो मिलेंगे। और अपने हाथों से उगाए हुए टमाटर खाने का अलग ही स्वाद आएगा। तो अब इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, तो इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे हमने, ये थोड़ी सी मिट्टी मांगी है, लगता है ये इस तरह से ना सारी मिट्टी यूज़ कर लेंगे और मुझे मिट्टी नहीं देंगे, थोड़ी सी मुझे मिट्टी चाहिए थी। फाइनली इस तरह से हल्के हाथों से मिट्टी डालिए और ये ढक दीजिए, हो गया। अब इसमें पानी डालना है नहीं, और ये बाकी के रख दिए हैं, फिर से यूज़ हो जाएगा इनका। दूसरा वाला टमाटर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके देखिए कुछ इस तरह के पैकेजिंग है। और इसके दाने थोड़े से बड़े हैं आप देख सकते, तो अब इसको भी लगा दिया जा रहा है। और अगर सारे बीज आ जाएंगे ना तो इतने सारे टमाटर के पौधे निकल आएंगे, वैसे तो सारे नहीं आते हैं, कुछ कुछ आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा ही लगा देना चाहिए। और फिर अभी इसमें लगाया जा रहा है, बाद में इनको ना सबको अलग करना पड़ता है, इसी एक में नहीं रहते हैं ये, फिर इनको पौष्टिक आहार की ज़रूरत भी होती है ना, तो सबको अलग कर दिया जाता है। ये देखिए आप लगाने जा रहे हैं गोल गोल बैंगन, ब्रिंजल, कल आपको भी नहीं बता रही थी ना ब्रिंजल, आज वो सोई है इसलिए नहीं आया और हम फुर्सत से काम कर ले रहे नहीं तो मैंने कोई काम ना करने दे। ये ब्रिंजल का, ये देखिए इसकी भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, दो तीन बार तो यूज़ हो जाएगा गाइस। ये भी इस तरह के इसके बीज हैं, जैसे लग रहा है मिर्ची का बीज होता है ना उस तरह का लग रहा है। चलिए इसे भी लगा देते हैं, थोड़ा और लगा दीजिए बैंगन, बैगन थोड़ा निकलेगा तो खार भर का भी तो होना चाहिए, पता है एक एक निकलता है, दो निकलता है, फिर वो बाहर से भी मंगाना पड़ जाता है। इतने पेड़ में इतने गमले होने चाहिए, इतने गमले पूरे गमले भर जाएंगे। हाँ बांटना पड़ेगा। हाँ तो मोहल्ले के लोगों को बांटेंगे ना, सबके घर में देंगे, हमारे घर सब्जी निकलेगी तो पेड़ क्यों देंगे अभी, सब्जियाँ दे देंगे निकाल निकाल के, पेड़ थोड़ी ना देने जाएंगे, सेवा करेंगे हम, पेड़ दे दें दूसरे को, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ब्रिंजल लगाने जा रहे हैं तो इसके इस तरह के आएंगे 50 रुपये में। तो ये भी ब्रिंजल का मतलब सेम बीज है जैसे पहले वाला लगाए थे, रट हूँ। तो गाइस ये देखिए इसमें है चेरी टमाटो, नॉर्मल टमाटो, ब्रिंजल और ये भी ब्रिंजल, तो ये हमारे सारे लग गए हैं, मिट्टी बच गई है, ये मिट्टी मैं ले लूँ। एक दो तीन तरुई, ये है सरपुतिया, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, और ये क्या है ये कमेंट करके बताइए क्या तरह के। बड़े से टंकी में लगा है कद्दू और लौकी, इस बार कद्दू और लौकी खाने मिलेंगे, पिछले बार तो बिल्कुल भी नहीं मिला था, इतने बड़े हो गए, छोटे छोटे बीज से कैसे बड़े हो जाते हैं ना, छोटा सा बीज हमने डाला था। और ये रहा खीरा, ये एक निकला काटेदार, ये देखिए चेरी टमाटो, नॉर्मल टमाटो और ये बैंगन, दोनों तरह के बैंगन हैं, तो इनको भी अलग करना होगा जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र करना होगा वो। तो गाइस जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं आप लोगों के साथ अपडेट करती रहूँगी, और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय चंचला।